उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था वही स्थान पर, वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछ कर वहाँ पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछा कर उस थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, चार बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और चार बत्ती उसमें होना चाहिए, थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं, फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं लक्ष्मी जी का, जहां पूजन कर रहे हो लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए, तो आपका कौन सा हाथ हो गया, उल्टा हाथ, लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर, आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर, भाव से रौली मौली चंदन अभीर गुलाल मेहंदी जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, उन कलदारों पर माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। पांच अमर बेल के टुकड़े, पांच कमलगट्टे, पांच हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें, जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने एक बत्ती का, उसमें चार बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो चार बत्ती का, घी का दीप एक बत्ती का, उस एक बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। माता लक्ष्मी की आरती कर, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें, माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो, हे माँ आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए, अपने इष्ट देव अपने कुल देव अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे माँ ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो, ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प
उन सिक्कों पर, क्वाइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दें। प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सब ने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है। ये 5 दिवसीय दीप पूजन, दीपावली का पूजन, 5 दिवसीय जो सुंदर लक्ष्मी जी का सुंदर पूजन का विधान हमारे यहाँ 5 दिवसीय दीप महोत्सव मनाया जाता है, उसमें से दूसरे दिन की कथा को आज विराम देते हुए बड़े भाव से, आनंद से आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद।